सोना चांदी खरीदने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, आपको बता दें फिर सस्ता हुआ सोना। और जानिए क्या है सोने चांदी की नई कीमत। तो अगर आप सोना चांदी के खरीदार हैं तो ये खबर आपके काम की है, क्योंकि सोने चांदी के दामों में लगातार गिरावट का दौर जारी है। तो आज हम आपको बताएंगे 18 कैरेट, 22 कैरेट, 24 कैरेट सोने का आज का ताजा भाव क्या है और चांदी का ताजा रेट क्या है। तो खबर को जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें सोने चांदी खरीदने का इससे शानदार मौका नहीं मिलेगा। आज फिर सोने चांदी के भाव में गिरावट देखने को मिल रही है। आज सर्राफा बाजारों में एक बार फिर से सोने चांदी के भाव गिर गए हैं। शादियों के सीजन में सोना चांदी खरीदने वालों के लिए ये राहत भरी खबर है। सर्राफा बाजारों में आज फिर एक बार फिर सोने चांदी के भाव गिर गए हैं। चलिए जानते हैं कि सोने चांदी के हाजिर भाव किस प्रकार हैं। आपको बता दें देश भर के सर्राफा बाजार पर एक नज़र। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट पर जारी किए गए रेट्स के मुताबिक आज 24 कैरेट शुद्धता वाले सोने की कीमत 48,807 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। वहीं 23 कैरेट शुद्धता वाले सोने की कीमत 48,612 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। वहीं 22 कैरेट वाले सोने की कीमत 44,707 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। 18 कैरेट वाले सोने की कीमत गिरकर 36,605 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है। वहीं चांदी की अगर बात करें तो चांदी की कीमत 59,840 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि IBJA द्वारा जारी किए गए रेट देश भर में सर्वमान्य है। हालांकि इस वेबसाइट पर दिए गए रेट में GST शामिल नहीं किया गया है। सोना खरीदते बेचते समय आप IBJA के रेट्स का हवाला दे सकते हैं। चलिए जानते हैं कि किस वजह से गिरे सोने चांदी के दाम। महामारी वैक्सीन को लेकर आई अच्छी खबरों के कारण सोने चांदी के दामों में गिरावट देखने को मिल रही है। महामारी वैक्सीन के कारण शेयर बाजार में रौनक बढ़ी है। निवेशक सोने से पैसा निकालकर शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं। वहीं डॉलर के कमजोर होने से महामारी वैक्सीन आने और इकोनॉमी में रिकवरी की आशा से इक्विटी की तरफ ध्यान जाने लगा। इन कारणों से सोने चांदी की कीमत में गिरावट आ रही है। इसके साथ साथ अमेरिका में जो बाइडेन के सत्ता संभालने से व्यापार युद्ध थमने की उम्मीद की जा रही है, जिसके बाद व्यापार में तेजी आएगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई।